दोस्तों, अब भारत और अमेरिका के बीच ऐसी ऐतिहासिक डील होने वाली है जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जी हां, इस डील को करने के लिए अमेरिका ने भारत से 90 दिन का समय मांगा है, यानी कि सिर्फ 3 महीनों में इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। पर कहा जा रहा है कि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका भारत को ही तकनीक देने को राजी हो गया है। ऐसे में क्या है यह पूरी खबर और इस ऐतिहासिक डील के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिका सरकार आने वाले 3 महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर पर अप्रूवल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है, जो कि पिछले कुछ महीनों में अटका हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ इंजन और फाइटर जेट्स के क्षेत्र में पार्टनरशिप करने को लेकर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल और लाइसेंस रिक्वायरमेंट की वजह से अभी तक अमेरिकन सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक को ऑफिशियल परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक भारत को पहले F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद तुरंत ही जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F414 इंजन का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देगी, जिसका इस्तेमाल करके हम देश के अंदर इस इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर सकते हैं, जो हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेजस मार्क 2 में F414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जाना है। ऐसे में अगर सही समय पर यह डील हो जाती है और भारत इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है, तो हम साल 2024 के अंत तक तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप रूल आउट कर सकते हैं, जिसके बाद 4 साल की टेस्टिंग के बाद यह एयरक्राफ्ट 2028 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके 108 यूनिट खरीदने का वादा भारतीय वायुसेना पहले ही कर चुकी है। साथ ही ऐसे 70 एयरक्राफ्ट बाद में खरीदे जाएंगे, यानी कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के कम से कम 170 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने वाली है, जो एक काफी बड़ा और अच्छा वॉल्यूम है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सकता है, जो हमारे मौजूदा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को जिस इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, इसका इस्तेमाल हम एमका के मार्क 1 और 2 में भी करेंगे। ऐसे में अगर 90 दिनों के अंदर अमेरिकी सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ऑफिशियल परमिशन दे दी जाती है, तो इससे अमेरिका भारत के साथ अगले कई दशकों के लिए एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप की नींव रख देगा, जिसकी बुनियाद सबसे एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, जो न सिर्फ अमेरिका पर भारत का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि इससे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी हम खुलकर चीन के खिलाफ अमेरिका का समर्थन भी कर सकेंगे। मतलब यह डील दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी होगी। बता दें कि शुरुआती 15 सालों में F414 इंजन के 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आने वाले 40 सालों के भीतर 600 इंजन तक पहुंच जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात की जानकारी दी गई है कि अमेरिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ताकि भारत के साथ जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर होने वाली यह डील पीएम मोदी के अमेरिकी विजिट से पहले कर ली जाए, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, तब दोनों देशों के संबंध एक बिल्कुल नए लेवल पर होंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए ट्रेड और बिजनेस के मामले में कई नए फैसले लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत जिस तरह से अब यूएन से नाराज होकर लगातार यूएनएससी में बड़े बड़े बयान दे रहा है, उसने अब बाकी सभी देशों को भी हैरान कर दिया है। और जिसके बाद अब चीन भी भारत के बयान के 72 घंटों के भीतर ही रोने लगा और अब भारत को वीटो देने के लिए राजी हो गया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। दोस्तों, भारत के यूएनएससी में दिए बड़े बयान को सुनकर यूएनएससी में शामिल सभी 193 देशों में हड़कंप मच चुका है। लेकिन इसी के साथ चीन का डर कितना ज्यादा बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने तुरंत ही अपने पूर्व विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स के मंत्री वांग ही को यूएन में भारत के खिलाफ एक
बड़े मिशन पर लगा दिया है। भारत के बयान के तुरंत बाद ही वांग ही ने यूएनएससी के को फाउंडर्स के साथ रिफॉर्म को लेकर काफी सारी मीटिंग्स की है, लेकिन अब चीन को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अब इस जंग में भारत की जीत पक्की नजर आ रही है। और भारत के एक बयान ने कुछ ही घंटों के भीतर चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। हाल ही में टीम इंडिया की तरफ से प्रतीक माथुर ने एक बयान जारी किया, जिसमें प्रतीक ने कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के न्यू मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना तो पुराने जो मेंबर्स हैं उनसे भी वीटो की पावर वापस ली जाए, ताकि समानता बनी रहे और वीटो पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसे में भारत ने इस बार सीधा यूएनएससी के रग पर वार किया है और उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया। भारत ने साफ साफ बोला कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वार टू के माइंडसेट को लेकर अभी तक चल रही है, क्योंकि यह अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, जिनको भारत लगातार अपने जरिए यूएन में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखा जाए तो भारत के पास इस वक्त मेजोरिटी कंट्रीज का समर्थन है, और इस तरह के कड़े बयान भारत ने सबके सामने पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुलेआम कहे हैं, जिससे भारत के इन बयानों पर ज्यादातर देशों का सपोर्ट भारत को मिला, और इसी वजह से अब चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत के इन बयानों में किसी भी तरह का झूठ शामिल नहीं, और यह बात सिर्फ वर्ल्ड वार टू के माइंडसेट और अफ्रीका लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंटेशन देने की नहीं है। इसके अलावा भी यूएन अक्सर अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आया है। अब चाहे रसिया यूक्रेन वार के मुद्दे को ही ले लीजिए या फिर वैश्विक महामारी कोरोना, सब जानते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर यूएन की इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इसके बावजूद यूएन हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहा। तो वहीं हाल ही में सूडान का मुद्दा भी किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उस पर भी यूनाइटेड नेशन चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा से ही विश्व शांति और एकता को बढ़ावा दिया है, जो कि यूएन के प्रिंसिपल है। रूस यूक्रेन वार में भी भारत लगातार शांति की बात कर रहा है, जहां बाकी के देश दो हिस्सों में बंटकर इस युद्ध को हवा दे रहे हैं, और कोरोना महामारी में भी जहां दुनिया भर के देश संकट में आ गए थे, उस समय भी भारत ने कई देशों को लगातार मदद पहुंचाई थी। और ना सिर्फ इतना, बल्कि भारत ने कई देशों को कोरोना वैक्सीन भी मुहैया करवाई थी। ऐसे में इतना सब करने के बावजूद भी भारत को हमेशा यूएनएससी में अपने हक के लिए गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन तब भी यूएनएससी की तरफ से कोई सही फैसला ना लिया जाने की वजह से भारत अब काफी नाराज है और लगातार यूएनएससी में कड़े बयान दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।